वेलकम है गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड 72 लेने के बाद ब्लीडिंग क्यों होती है, इसका क्या कारण है, क्या आपको प्रेगनेंसी हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, और क्या इस पिल को लेने के बाद ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है। आइए ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए, जो अनवांटेड 72 है ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है और इस पिल के अंदर एक गोली है, सिंगल टैबलेट होती है। ये देखिए इस टाइप की ये गोली आती है, ठीक है, और इस गोली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन होता है जिसे हम लोग लेवनोरजेस्ट्रोल बोलते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1.5 mg की होती है। जब कोई फीमेल लेडी इस पिल का, इस गोली का उपयोग करती है तो उनकी शरीर में हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, मतलब कि बदलाव आता है। फिर आपको लगभग 3 से 7 दिन के आसपास कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको लोअर एब्डोमेन एरिया में पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, या फिर आपको डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी फील हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग आपको हो सकता है। और मोस्टली देखा गया है कि इस पिल को लेने के लगभग 1 से 10 दिन के आसपास आपको ब्लीडिंग भी होती है। ये आपके पीरियड्स नहीं होते हैं, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि इतनी जल्दी आपको पीरियड्स क्यों आ गए, लेकिन ये आपके पीरियड्स नहीं होते हैं, ये विड्रॉल ब्लीडिंग होती है जिसे हम लोग रिबाउंड ब्लीडिंग या फिर ब्रिक थ्रू ब्लीडिंग या फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। अब ये जो ब्लीडिंग है ये लगभग 3 से 7 दिन तक नॉर्मली रहती है। इसमें जो फ्लो है 1 से 2 दिन आपको लाइट फ्लो या हैवी फ्लो हो सकता है, उसके बाद जो फ्लो है डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये जो ब्लीडिंग है ये 7 दिन से ज़्यादा होती है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इमिडिएटली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको आगे जाकर हॉर्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अंडेदानी में रसोली होना, फॉलिकुलर सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस कुछ केसेस में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये जो ब्लीडिंग है ये आप लोग कंसिडर कैसे करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि आपको विड्रॉल ब्लीडिंग है या कोई अलग टाइप की ब्लीडिंग है। तो देखिए, अगर ये जो गोली है आप लोग अपनी पीरियड्स के लगभग 20वें दिन के आसपास ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको विड्रॉल ब्लीडिंग के साथ में आपके पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग 20 दिन से पहले पहले इस पिल का उपयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है विड्रॉल ब्लीडिंग ही देखने को मिलती है। लेकिन कुछ केसेस में जब 72 अपना काम नहीं करती है तो इसके फेलियर रेट इंक्रीज हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वैसे तो बहुत रेयर है, बहुत ही कम केसेस में होती है, लेकिन स्टिल होती तो है ही। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ब्लीडिंग है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना हो। यूजली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही कम फ्लो के साथ देखने को मिलती है जिसमें आपको पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर जो विड्रोवल ब्लीडिंग है उसमें आपको पैड की रिक्वायरमेंट भी होती है। फिर बात आती है कि जब आपको विड्रोवल ब्लीडिंग होती है तो ये होगी आपको 3 से 7 दिन, तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो कब आएगा, क्या आपकी पुरानी डेट पर ही आएगा या फिर किसी अलग डेट पर आएगा? तो आपको जो नेक्स्ट पीरियड है वो लगभग 4 सप्ताह के आसपास आ जाता है और मैक्सिमम आपको 6 सप्ताह लग जाते हैं पीरियड्स आने में। लेकिन अगर आपको 6 सप्ताह तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा टाइम वेट करते रहते हैं पीरियड्स का तो कभी कभी फीमेल बॉडी में जो अंडेदानी होते, जो ओवरी होती है, उसके अंदर सिस्ट हो जाती है जिसे हम लोग सिंपल ओवरियन सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। और कुछ केसेस में जब फीमेल्स इन पिल्स का मिसयूज करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इस पिल का 6 महीने में बारी बारी यूज़ कर रहे हैं, 1-2 बार आप लोग इसको ले लेते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको पीसीओडी, पीसीओएस भी हो जाता है, क्योंकि ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हार्मोन होता है। 1.5 mg की जो डोज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
और इस पिल को आपको 6 महीने में सिर्फ एक बार ही लेना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लोग 6 महीने में इसका एक बार यूज़ करें। बारी बारी अगर आप लोग इस पिल का यूज़ करेंगे तो आपको इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा परेशान करेंगे। इवन अगर आप लोग इस पिल का एक बार यूज़ करते हैं तो आने वाले जो 3 पीरियड साइकिल हैं इसका साइड इफेक्ट 3 पीरियड साइकिल तक जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।